हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये कि आज हमारी कैंप चेंज हो रही है, तो क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो हमें कैंप शिफ्ट करना होगा दूसरे कैंप में। जो कंपनी खुद की कैंप है उसमें शिफ्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था। तो इसे हमें खत्म इसे हमें यहाँ से हमें जाना होगा। तो मैं आज सुबह ही मैं सोचा था कि मैं सारी पैकिंग करूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने रात को थोड़ी बहुत की थी, तो अभी भी मेरी पैकिंग अभी बाकी है। यहाँ पे देखो, वो लगेज मैंने एक पैक कर लिया है। यहाँ पे ये बैग में अभी बहुत सारे सामान इसमें डालने, लेकिन अभी तक डाल मतलब जगह नहीं बच रही है। ये मिक्स विक्स ही है, और अभी ये सामान भी मुझे डालना है अंदर में। तो अभी पैकिंग अभी मतलब ख़त्म नहीं हुई, अभी भी चालू है। और लेकिन मैंने अपना बेड जो है वो खाली कर दिया है। और ये हमारे साथ हमारे हरीश भाई जी भी हैं, तो इनका भी कैंप चेंज होना है, तो ये आज नहीं जा रहे। तो हरीश भाई जी, आप क्यों नहीं जा रहे हो आज? क्योंकि ये इस चक्कर से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑफ है थर्सडे को। अच्छा, मैं थर्सडे को ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ओके। मैं तो ड्यूटी करके आया, नाइट करके आया। अभी हाँ मैं 10 बजे चेंज या 1-1.5 बजे चेंज करेगा तो फिर शाम को कैसे ड्यूटी जा पाऊंगा। हाँ ये बात भी सही है। तो इस चक्कर से मैं थर्सडे थर्सडे को ऑफ जाना करोगे चाहता तो उस दिन हूँ, सही रहेगी। हाँ थर्सडे को सही जाना बात चाहता है, हूँ। क्योंकि अगर आपके जिस दिन ऑफ है आप उस दिन चेंज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ड्यूटी के दिन तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग सही से मतलब थके थके रहते हैं, तो इसलिए वो सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऑफ के दिन चाहता हूँ। मेरी भी आज ऑफ है, इसलिए मैं भी चेंज कर रहा हूँ। तो और ये मैं मतलब आज अभी 10 बजे बस मतलब थी, लेकिन मैं 10 बजे जा नहीं पाया, क्योंकि वो नहीं जा पाया वो। ये हरीश भाई जी बताएं क्यों नहीं जा पाया, बताइए हरीश क्योंकि आपको कैसे जाओगे, 10:30 बजे जाओगे, ऊपर से आपका 12 बजे पहुंचोगे भाई। आप, हाँ सही बारह बात बजे के है। बाद आप खाना बनाओगे, फिर कैसे बनाओ सामान वन खाना, भी सारा पैक सामान है, मतलब पैक वापिस करना से पड़ेगा लगाने आपको, होंगे, फिर सजाने खाना भी होंगे। खाना पड़ेगा कैसे, फिर आपका लेट हो जाए। इस चक्कर से मैं सोच रहा हूँ कि आप 12 बजे खाना खा के जाओ यहाँ से, 1:30 बजे जाओ तो खाना खाना पी कर सब चीज खा पी के जाओ यहाँ से। चलो, आपका दिल बहुत बड़ा है, इस लेकिन ऐसे चक्कर से मजाक नहीं, मैं सोच रहा हूँ, ऐसे इस चक्कर से आप जाओ 1:30 बजे जाओ, और नहीं आपका फायदा इसमें, और सही भी है। नहीं नहीं तो यही है। तो दोस्ती से कहते हैं कि यार अगला बंदा अगर कुछ उससे टाइम नहीं है, तो इनकी नाइट ड्यूटी फिर भी हमारे लिए इन्होंने बोला कि नहीं, मैं खाना बनाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, खाना हम लोग खा के सब फिर तुम जाना, कोई दिक्कत नहीं है, 1:30 बजे तक आराम से चले जाना। तो 1:30 बजे बस मैं पकड़ूंगा। तो अभी चलो हम आपको बाहर दिखाते हैं कि बाहर में क्या सीन है, सब लोग कैसे इंतजार करें। अभी अभी 10 बजे जो बस जाएगी, तो चलो बने रहो हमारे साथ में आगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर, ये हमारा कैंप का सीन है, ये आखिरी बार हम लोग देख रहे हैं इसको आज। और नीचे में ये देखिए, यहाँ पे पूरा तैयारी हो चुका है, सब लोग अपने देखिए सामान वान सारे पैक करके बैठे हैं। यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस का, जो 10 बजे वाली जाएंगे, 10 बजे नहीं अभी तो। और ये सारे सामान वामान हैं, सब लोग अपने सामान वान पैक कर रहे हैं, वो हमारे दीपांकर शेफ वहाँ पे तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब हम जाएंगे, जब मैं नीचे जाऊँगा जब अपने सामान लेके, तो मैं आपको वहाँ उस समय दिखाऊँगा, थोड़ी बहुत वीडियो करूँगा। और जब वहाँ जब मैं कैंप उस कैंप में जाऊँगा, तो उस कैंप में भी फिर आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगा कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए फिर बने रहिए, वीडियो अभी बहुत लंबी है, कहीं जाइए मत। हम लोग अभी आ गए हैं कैंप में, ये कैंप का डोर है और बाहर मेन रोड है वो। ये दूसरा कैंप में हम आ चुके हैं, ये सारे अंदर की व्यूज़ है। कैंप 3 है ये, यहाँ बैठने की जगह है, ये रिचार्ज करने का मशीन है, और उधर में अलग अलग रूम्स है, डाइनिंग हॉल है अंदर में, ये आयरन वाली रूम है, आयरन रखे हुए इसमें, और डाइनिंग हॉल है ये। देखो सब बड़े आना खाना बना रहे। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं ऊपर में रूम में सब सेटल कर लेते हैं, फिर आपसे थोड़ी बहुत और एंड बातचीत करेंगे, वीडियो को एंड करेंगे। तो ये सारा है, अच्छा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, क्लीन है। आगे आपको दिखाता हूँ, ये ग्रॉसरी है छोटी सी, और ये सारे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, सब कुछ है। हो गया, चलिए ऊपर चल। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके अपने रूम में, ये मेरा रूम नंबर है 208।
और ये कॉरिडोर है काफ़ी अच्छा, ये कैंप भी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, इस कैंप के ऊपर भी पूरी तरह पूरा दिखाऊंगा। बहुत बड़ा ये कैंप, 6 से ही बड़ा है। बस इसमें थोड़ी रूम्स छोटे हैं, लेकिन रूम्स से हमें क्या करना है, रूम छोटा है बड़ा हो, बस रहने वाले उसमें अच्छे होने चाहिए। तो चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि अंदर सो रहा आदमी, तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग आ गए हैं, शिफ्टिंग हो चुकी पूरी, और अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है, तो मैं जाता हूँ सोने के लिए। तब तक लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, सही से रहिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।